नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे आज का राशिफल, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कौन सी राशियां मुनाफा कमाने की स्थिति में रह सकती हैं, किन राशियों में आज अच्छा मुनाफा देखने को लिखा हुआ है और किन राशियों को आज बचकर चलने की ज़रूरत है, ये सब जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नज़र आया है, आपके सितारे क्या कहते हैं कि आज आप कम्युनिटी बाजार में लाभ कमाने की स्थिति में है या नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज शेयर बाजार कैसा रह सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम टीवी के कई प्रयासों से फंडामेंटल एनालिसिस एवं एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर यह शो प्रसारित किया जा रहा है। आज 12 जनवरी सन 2021। आज सबसे पहले हम राशियों के आधार पर आपको आपका नफा नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। दिन आज आपका अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। पृथ्वी तत्व की राशियां 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज दिन संभवतः नौतीर्ण ना रहे, अच्छा ना रहे, आज लिए गए निर्णय को एक बार पुनः जांच लें। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये है जल तत्व की राशियां निश्चित रूप की तरह इशारा कर रही है, एक कदम आगे एक कदम पीछे रह सकते हैं, अनिर्णय के साथ साथ लेकिन सकारात्मक भी रह सकता है। 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाजार ऊपर है या नीचे, क्या आप कमा रहे हैं वो उसका निर्धारण राशियों के आधार पर करना और देखना की परिपाटी सदियों से हमारे देश में रही है। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने कर्नल जी से जाना था कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे कम्युनिटी बाजार की तरफ। कर्नल जी, यहाँ से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार में, स्पेशली अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो हम देख रहे हैं कि मसालों में लगातार बढ़त बनती नजर आ रही है। आज आपको क्या लगता है मसालों में क्या संभावनाएं बनती है? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा लगातार 1.5 से 2 महीने के अंदर हम लगातार आपको हल्दी, जीरा और धनिया जी और लाल मिर्च के बारे में अपनी विश्लेषण दे रहे हैं और जो वो सत्य भी साबित हो रही है। गौरतलब है यदि 1.5 से 2 महीने पहले जब धनिये के अंदर बुरी तरह से पिटाई हो रही थी और उस वक्त सभी मसाला के जो कारोबारी थे और या जो किसान बंधु थे वो बड़ी परेशानी थी कि है ना, धनिया अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि मुझे धनिये के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने बहुत अच्छे लग रहे हैं और धैर्य जो इस समय जो भी धैर्य से इसको माल रुकेगा या जिसके पास स्टॉक है उसको आने वाले समय के अंदर अच्छा मुनाफा मिलेगा। और यही हुआ, धनिये के अंदर लगभग 30 से 35% की एक बड़ी तेजी आप देख सकते हैं निचले स्तर से पिछले 2 से 2.5 महीने से, और अब और किसानों ने और कारोबारियों ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया है। धनिया अब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार तेज बरसात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से काफी नुकसान धनिया को हुआ है और मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बनी रह सकती हैं और आज भी मैं धनिया के अंदर तेजी का ही रुख मानता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण जो फसल है वो है जीरा। जीरे के अंदर भी मैं आज तेजी का ही रुख दिखाता हूं। मुझे लगता है कि तेजी आज जीरे के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। यदि जो बिकवाली करना चाहते हैं उनको धैर्य रखना चाहिए और इसको रुकना चाहिए। तो जीरे के अंदर और धनिये के अंदर मुझे तेजी नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त और मैं कृषि उपज के अंदर बात करना चाहूंगा, गवार कॉम्प्लेक्स की। आज कल भी आपने एक सवाल पूछा था कि गवार कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हमने यही कहा था कि फंडामेंटल गवार के बहुत मजबूत है और इसमें कोई दोहराए नहीं है क्योंकि लगभग 1 करोड़ बोरी की रिक्वायरमेंट हर साल होती है और इस साल लगभग 25 से 30 लाख बोरी का ही उत्पादन का अनुमान है।
जो कि लगभग कुल उत्पादन का लगभग 30% ही बैठता है जी। अब इसके अलावा जो जो जिनके पास ग्वार की फसला कई सालों से है, क्योंकि गौरतलब है कि ग्वार की एक ऐसा कृषि उपज है जिसको बरसों बरस तक किसान और कारोबारी रख लेते हैं अच्छी दाम के आस में, और ग्वार की कुल उत्पादन के साथ साथ कितना माल देश के अंदर मौजूद है इसकी गणना करना सबसे मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ग्वार की किसी के पास 2 साल पुराना भी हो सकता है, 4 साल पुराना भी हो सकता है और 6 साल पुराना भी हो सकता है, और इसके अंदर और वो कितना उपलब्ध किस किसान के पास या किस कारोबारी के पास उसने रखा हुआ है इसका सटीक अनुमान बहुत ही मुश्किल है। खाली आप सिर्फ बिजाई और उपलब्ध करंट फसल के आधार पर ही आप अनुमान लगाते हैं। यहाँ तक हमारा अनुमान नजर आ रहा है कि जो हमारे हमने सर्वे किया है, ग्राउंड रिलेटिव कई किसानों से बात की, कारोबार से बात की, एक्सपोर्टर से बात की, उसके उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार पुराना जो जो कमजोर हाथों के अंदर जो गवार था वो लगभग बाजारों में आ चुका है और एक्सपोर्ट के पर्याप्त ऑर्डर एक्सपोर्टर के पास हैं। अब जो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर जो मजबूत हाथों के अंदर जिनके पास गवार है वो उनका मानना यही है कि हम अच्छे दामों के बगैर हम माल नहीं देंगे, हमें माल रोकना है, और कुछ कारोबारियों का तो यहां तक भी कहना है कि हमने इसको 5 से 7 साल तक रोक के रखा है और हम और हमें मालूम है कि जब 5 से 7 साल का इसका भंडारण का कॉस्ट, इसका ब्याज भाड़े का कॉस्ट, इसका साल सवाल का जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा है कि अभी हम इन रेट के ऊपर हमें वारा नहीं खाता है, हमें इसके अंदर तेजी मिलेगी तो हम करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे, ये कुछ कारोबारी और किसानों का मत है। तो मैं भी उनसे सहमत हूं, क्योंकि जब 5 से 7 साल 6 से 7 साल तक किसी ने अपना माल रोक के रखा है और उसको बहुत नीचे के स्तर के ऊपर भी उन्होंने गवार को नहीं बेचा अपने अपने दिमाग के हिसाब से, तो जब उनको भाव मिलने की जरी सी उम्मीद है तो वो निश्चित रूप से उस उम्मीद के ऊपर अपना माल रोकेंगे, ये मेरी धारणा काफी लोगों से बात करने के ऊपर आई है। तो कुल मिला के गवार सीड का जो फंडामेंटल है बहुत मजबूत है, डब्बे के अंदर तेजी मंदी चलती रहेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है और चलनी भी चाहिए। एक और विशेष जो मुझे समझ आ रहा है कि NCDX के ऊपर अब मार्जिन के अंदर भी संभवतः गवार के अंदर कमी आने की संभावना है, और जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ाने की बात होगी मार्जिन कम होगा, मुझे लगता है कि इसके अंदर गवार सीट के अंदर जो मार्जिन जमा करके पोजीशन खड़े करने वाले जो कारोबारी हैं वो भी इसमें अधिक रुचि लेने लगेंगे। तो अभी टाइम धैर्य का है, इसमें कोई दोराय नहीं है और जो धैर्य रखता है उसको फायदा भी मिलता है। लेकिन एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनवरी फरवरी महीना गवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसके अंदर कमजोर दिल वाले कमजोर हाथ उनको भी झटके लगेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है, और बाजारों के अंदर ऊपर और नीचे आना बाजार की फितरत है, व्यापार का नजरिया है और इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप इसको सट्टेबाजी कहें या डब्बे की कलाबाजी कहें या सटोरियों की बात कहें या यदि इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये तेजड़ियों और मंदड़ियों का खेल है, और कोई भी बाजार हो उसके अंदर तेजड़िए और मंदड़िए यानी बुल्स और बियर्स की लड़ाई होती है। शेयर बाजार आप देख लीजिए, शेयर बाजार के अंदर भी बुल्स और बियर्स की लगातार लड़ाई होती है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं कि जो 2 से 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक की उसमें ग्रोथ देखी गई है। 2019-20 के अंदर अडानी एंटरप्राइजेज 225 रुपए का शेयर था, आज 1800 रुपए का से ऊपर का शेयर चल रहा है और यह हो सकता है आने वाले समय के अंदर 2000 से भी ऊपर क्रॉस कर जाए। तो व्यापार और कारोबार करने वालों के लिए तेजी और मंदी बुल्स एंड बियर्स का खेल रहेगा और इसके अंदर कोई भी इसको संसार में रोक नहीं सकता। छोटी अवधि के लिए जरूर आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अगर मगर तो कर सकते हैं, लेकिन यदि यह चीज नहीं रहेगी तो वो कारोबार ही समाप्त हो जाएगा। जिस भी बाजार के अंदर जान नहीं होगी, उतार चढ़ाव नहीं होगा, तेजी मंदी नहीं होगी, ये एक मृत का सूचक है। तो यदि आप एक्टिव है तो उछलोगे भी, कूदोगे भी, दौड़ोगे भी, पेड़ पे भी चढ़ोगे, मोटरसाइकिल भी चढ़ाओगे, कार भी चलाओगे, तेज मंदी सब करोगे। यदि आप बैठो तो आप बिस्तर पर बैठे हो, 90 साल का व्यक्ति है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बीमारी 50 है, तो उसको क्या है, तो आप एक्सचेंज को बीमार मत बनाओ।
मेन चीज है कि आप अपनी काबिलियत दिखाओ, तेजी मंदी को भापो, अपना पैसा लगाओ तो कर तो आप कमा सकते हो, अन्यथा नहीं कमा सकते। आपकी खुद की कमियों का दोष आप एनसीडीएक्स पे डालना, एनसीएक्स पे डालना, अपनी बात करना, ये एक नासमझी की बात मेरे हिसाब से हो सकती है। ये अखिलेश जी जी यहीं से करने लीजिए जी, बात करें अगर अब नॉन एग्री में, जी अखिलेश जी, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपको सोने चांदी में क्या लगता है, क्योंकि सोने चांदी में देख रहे हैं कि लगातार अब देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल है, लेकिन आज सोना इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा तेज है, चांदी में भी बढ़त देखने को मिली है कल के मुकाबले, अब आपको आज सोने चांदी में क्या लगता है? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा कि कल हमने आपको बुलियन के अंदर तेजी की बात कही थी कि मुझे यहाँ से तेजी लग सकती है, और कल कल अच्छी मूवमेंट दी, कल लगभग 60,940-45 तक का भाव सिल्वर ने दिया और गोल्ड ने भी मूवमेंट दिया, और मुझे लगता है कि आज भी हम बुलियन के अंदर यानी सोने चांदी के अंदर तेजी का रुख धारे तो बेटर रहेगा। इसको शॉर्ट करने यानी बिकवाली करने से बचना चाहिए, बुलियन के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। ये अखिलेश जी जी कर्नल जी जी बात करें यहाँ से अगर आप स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रह सकता है? कर्नल जी जी यहाँ से बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रह सकता है? स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी, कल बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी गई, आज शेयर बाजार के अंदर मुझे तेजी की धारणा लगती है, खासकर फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर, मेटल स्टॉक्स के अंदर, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मुझे तेजी की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा जो कॉटन बेस्ड स्टॉक्स हैं, जो की धारणा बनाती है ऑयल कंपनी है, उनके स्टॉक्स में भी मुझे तेजी की संभावना ही नजर आती है। फैशन के अंदर भी तेजी की संभावना नजर आती है। अभी हम लोग देखें कि मोटे तौर के ऊपर यदि हम चंबल फर्टिलाइजर देखें, नेशनल फर्टिलाइजर देखें, क्योंकि बजट बिल्कुल सर पर है, बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर बजट घोषित होगा, उसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि इसमें तेजी रहेगी और किसानों को कोई भी सरकार नाराज नहीं कर सकती इस समय, तो किसानों से संबंधित एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित, फर्टिलाइजर से संबंधित, सीड से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ से संबंधित, इनके ऊपर बड़ी घोषणाओं की एक उम्मीद लगाई जा रही है सरकार से, तो उससे संबंधित स्टॉक यदि आप देखते हैं, चाहे चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर देख सकते हैं, इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स आप देख सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो या इंडिया सीमेंट हो या ACC हो, इन स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा स्टील है, JSW है, क्योंकि विकास की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, और इन सब के अंदर सीमेंट और स्टील का यूज सबसे अधिक होता है, तो इसके ऊपर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा AB फैशन एंड रिटेल का को भी आप देख सकते हैं, कॉटन के प्राइसिंग बहुत तेज होने से कॉटन ग्रीज वगैरह जो है इनके प्राइसेस के अंदर भी मुझे तेजी नजर आती है, तो इन सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर आप चर्चा करें तो बेहतर है, इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी के स्टॉक यानी IT सेक्टर स्टॉक थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, उनसे बचकर चलना चाहिए, चाहे वो TCS हो चाहे इन्फोसिस हो, उसके अंदर कमजोरी नजर आती है, क्योंकि भारतीय रुपया जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, इन IT यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी स्टॉक्स के अंदर कमजोरी बनती है, और जब भी भारतीय रुपया मजबूत होगा, जब भी रुपया कमजोर होगा IT सेक्टर में तेजी आएगी, और जब भारतीय रुपया मजबूत होगा तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर के अंदर कमजोरी आ सकती है। आज अब सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है या हिंदुस्तान कॉपर है या BHEL है, BEML है, इनके ऊपर अभी आप नजर रखें एक दो दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर इसके अंदर रिजल्ट आ सकता है। जी अखिलेश जी जी तो कुछ आज ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।